अलवर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले शिक्षा एवं एबीएसटी विषय के शोधार्थियों ने आज मत्स्य विश्वविद्यालय में हवन यज्ञ किया। शोधार्थी प्रतिभा कुमारी ने बताया कि कल भी यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया और आज यूनिवर्सिटी प्रशासन को सद्बुद्धि आए उसके लिए हवन यज्ञ किया। उन्होंने बताया कि शोध प्रबंध जमा नहीं होने एवं कोई भी लिखित कार्रवाई विश्वविद्यालय की ओर से अभी तक नहीं होने को लेकर धरना प्रदर्शन हवन यज्ञ किया गया। वर्ष 2021 से शोध जमा करवाने के लिए शोधार्थी परेशान है। हर बार वीसी कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं। अब तो विद्यार्थियों को पुलिस केस करने की धमकी दी जाती है। परेशान शोधार्थी धरने पर बैठ गए थे। धरने पर बैठे शोधार्थियों की मांगे सुनने या समाधान निकालने की बजाय वीसी ने शोधार्थियों को फ्रॉड तक कह दिया। हमारा एडमिशन हुआ था 2018 में, बाय द ऑल यूनिवर्सिटी लॉज हमने एडमिशन यहाँ पे लिया। जैसा जैसा यूनिवर्सिटी ने निकाला, यूनिवर्सिटी ने हमें गाइड दिए, उनके अंडर में हमने थीसिस कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद 2021 में हमने जमा करा दिया हमारे शोध केंद्रों पर, और यहाँ पर लेटर भी जमा करा दिया कि हमारी थीसिस पूरी हो गई है। 2021 से लेकर अब तक यूनिवर्सिटी ने, अब 2024 आ गया है, ना तो हमारी प्री पीएचडी वाइवा कराया है, ना ही सबमिशन का कोई नोटिस निकाला है। अब जाके जब भी आते हैं यहाँ पे तो वर्बली हमें कह देते हैं कि आपके गाइड गलत हैं, जिनके अंडर से हमारी पीएचडी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। अब वो गलत है या सही है इस बात का तो मुद्दा हमारे विषय का नहीं है। एक वीसी बदलता है वो दूसरे पे आरोप लगाता है, दूसरा वीसी बदलता है वो पहले पे आरोप लगाता है। ये इनका चल रहा है। पहले भी यादव साहब आए, उन्होंने भी काम नहीं किया। अब ये पांडे जी आए हैं, हम इनसे भी 3 बार मीटिंग कर चुके हैं, और ये भी कह रहे हैं कि हर बार आते हैं तो कहते हैं आप सरकारी यूनिवर्सिटी में क्यों आए। अब कल हमें कहने लगे एजुकेशन वाले तो फ्रॉड हैं। अगर बच्चे फ्रॉड हैं तो उनका एडमिशन कैसे हुआ, और अगर एडमिशन यूनिवर्सिटी ने लिया तो फिर ये यूनिवर्सिटी की गलती है, इसमें बच्चों की गलती नहीं है। शोधार्थियों का भविष्य जानबूझ के इन्होंने अटकाया हुआ है, जबकि हमारा सारा काम हो चुका है। ये हमारी पीएचडी करना नहीं चाह रहे हैं, मन स्थिति इनकी सही नहीं है, और जब जब इनसे मिलने आते हैं इनकी भाषा भी अच्छी नहीं होती है। आज आपने हवन यज्ञ किया जी, इसीलिए किया है ताकि इन्हें थोड़ी सद्बुद्धि मिले, इन्हें हमसे बात करने की थोड़ी समझ आए, और हमारी परेशानियों को समझे कि हमारे कैरियर ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं। पीएचडी के 30 मार्क्स हो चुके हैं यूजीसी का, 2018 का जो रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग। हम में से जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं उनके पास केवल 70 नंबर रह जाते हैं अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के, क्योंकि 30 नंबर हमारे पास पीएचडी के नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो उनकी गवर्नमेंट जॉब इस वजह से अटकी हुई है, कईयों की छूट गई है, लेकिन हमें यहाँ से पीएचडी नहीं मिली है। धरना तब तक चल रहा है, ये धरना तब तक चलेगा जब तक ये हमें कोई भी लिखित नोटिस नहीं देते हैं या हमारा काम शुरू नहीं करते।